एक बात मेरे मन में आ रही है, आप पूछो तो बताऊं। आपसे नहीं, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ। सास बहू के बारे में है, अगर कुछ अपनी बुराई मिले तो बुरा मत मानना। एक बूढ़ी अम्मा थी, जब चार औरतें इकट्ठी होती हैं आपस में तो क्या बात चलती है, सबसे ज्यादा क्या काम करती हैं? उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू वैसी है, ऐसी बातें ही तो होती हैं। एक बूढ़ी अम्मा है, सारा दिन बस एक ही काम, अपनी बहू की बुराई। कोई भी पड़ोसन आती उसी से शुरू हो जाती, ऐसी बहू मेरी, वैसी बहू, पता नहीं कैसे खानदान की कुलक्षणी आ गई है, कोई काम ही नहीं करती, बिस्तर पर पड़ी रहती है। और बहू को तो गालियां मिलती ही हैं, माँ को भी लपेटे में ले लेते हैं कि पता नहीं माँ ने क्या लक्षण सिखा कर भेजा है, कि बहू से कहकर भेजा है, क्या सिखा पढ़ा कर भेजा है कि माँ ससुराल में जाकर तो काम ही नहीं करना, किसी की सेवा भी नहीं करनी। एक व्यक्ति पास में से जा रहा था, बोला, अम्मा क्या हुआ? बोली, क्या बताऊं, मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी बहू को पाकर। बोला, ऐसा क्या हुआ? कहती, क्या बताऊं, ये उम्र मेरी सेवा करवाने की है और सेवा तो भैया कोई करता ही नहीं है, आजकल की बहुएं तो सेवा करती ही नहीं है, हमसे पहले खुद ही थक कर बैठ जाती हैं। बोले, मैं तो 4 बजे उठती हूँ, झाड़ू बुहारी कर लेती हूँ, घर का आधा काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बहू जब तक सूरज सर पे ना चढ़ जाए ना, तब तक उठती नहीं है। ऊपर से मेरा छोरा भी ऐसा ही है, मेरा छोरा बहू की सेवा में लगा रहता है, बिस्तर पर ही बहू को चाय देकर आएगा। अरे बिस्तर पे तो मुझे चाय मिलनी चाहिए, चाय किसे मिल रही है? बहू को। घर का काम काज करने में ही लगा रहता है, बाहर का तो काम धंधा सब छोड़कर घर में बैठा है, उसकी सेवा करता रहता है, रसोई का काम करता है, उसको खाना पीना बनाकर देता रहता है। बोली, एक बहाना और है कि पढ़ाई भी कर रही हूं मैं। जब काम का समय होता है तो किताब लेकर बैठ जाती है कि बुढ़िया देखेगी अपने आप काम करती रहेगी। वो देखो उधर चर्चा चल रही है कि मेरी बहू भी ऐसी है, वो भी कॉलेज में जाती है। वो आदमी बहुत समझदार था, उसने अम्मा से पूछा, अम्मा कितने बच्चे हैं तेरे पास? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की बड़ी थी, मैंने ब्याह कर दिया उसका, वो अब अपनी ससुराल में है, बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत खुश है, बेटी की तरफ से तो आत्मा प्रसन्न है, बहुत खुश हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा जमाई मिला है, बहुत अच्छा। बोला, अच्छा मैया, तो कितना अच्छा दामाद मिला है तेरा, घर परिवार कैसा है लड़की का, जरा बता तो सही। बोले, क्या बताऊं, वहां के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है, अब बहू की तो जितनी बुराई करो उतनी कम है, और बेटी की जितनी तारीफ करो, दामाद की जितनी तारीफ करो वो भी कम है। बोले, क्या बताऊं, इतना बढ़िया है ना,
कि उसकी तरफ से तो चैन है, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत सुखी है मेरी बेटी, उनके घर में लक्ष्मी बन कर गई है। क्या बन कर गई है? लक्ष्मी बन कर गई है। और जो अपने घर में बहू आई है वो कुलच्छनी बनकर आई है। बोले अच्छा, बस मेरे ही भाग फूटे थे जो ऐसी कुलच्छनी मेरे कर्म में लिखी थी। बोले अम्मा, तेरी बेटी तो सुखी है, क्या क्या सुख है वो भी बता। अब जरा ध्यान देना कि बेटी की तारीफ हो रही है, बेटी की माँ तारीफ कर रही है अपनी बच्ची की। सबसे पहले तो बताऊं, मुझे दामाद बहुत अच्छा मिला है, मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखता है, हाथों पे रखता है। कहाँ रखता है? हाथों पे रखता है। और अगर बेटा बहू को हाथों पे रख ले तो गुलाम है बेटी बहू का। बोले हाथों पे रखता है और तो और मेरी बेटी को बिस्तर पे ही चाय पिला देता है। बोले अच्छा, इतना अच्छा दामाद है। और इतना ही नहीं, हम अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सके तो मेरे दामाद ने कहा है कि जब तक पढ़ना चाहेगी तब तक पढ़ाऊंगा। बहू भी पढ़ रही है लेकिन मेरी बेटी जब तक पढ़ना चाहेगी, दामाद ने कहा जब तक पढ़ना चाहेगी ना तब तक पढ़ाऊंगा। बेटी की तारीफ में कोई कमी नहीं है। और बेटी को कह दिया है कि काम करने की जरूरत नहीं है, काम सारा मैं करूंगा, मेरी माँ है वो कर लेगी, बस तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपनी सेहत पर ध्यान देना है। अगर छोरी ने कह दिया कि ये काम नहीं करना तो मजाल जो टस से मस हो जाए। दामाद उस काम को करता ही नहीं है, अगर बेटी ने कह दिया कि ये काम नहीं करना तो करेगा ही नहीं, फिर तो माँ की भी नहीं सुनता। एक बेटी की मैं और बात सुनाती हूँ आपको। एक बेटी है बिन माँ की बच्ची, पिताजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, खूब धन दौलत है घर में, पैसा है, कोई कमी नहीं है। देखिए, एक बेटी घर से विदा होती है, एक बेटी घर से विदा होती है तो दूसरी बेटी घर में बहू बनकर आती है, समझने का फर्क है। ताली जो होती है ना वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बहू अगर बेटी बनकर रहे तो सास ससुर मां बाप बनकर रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह सास ससुर गलत हैं, ससुराल वाले गलत हैं, किसी जगह पर बहुएं भी गलत हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहू हर जगह गलत है, किसी जगह पर ससुराल भी अच्छी नहीं होती, सास ससुर भी अच्छे नहीं होते। किसी घर में बहू अच्छी है, किसी घर में सास ससुर अच्छे हैं, जहां दोनों ही अच्छे हैं वो घर बहुत नसीब वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। एक बच्ची है, लड़की है बिन माँ की बच्ची, पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अच्छा घर है, अच्छी परवरिश में थी। अब पिता की जो बेटियां होती हैं
वो बहुत लाड़ प्यार से पलती है। माँ से ज्यादा प्रेम पिता करते हैं अपने बच्चों को। बेटियां बाप की लाडली होती हैं, वो भी बड़े लाड़ प्यार से पली बड़ी। जब विवाह योग्य हुई तो विवाह कर दिया, बहुत अच्छा घर बार। और अपनी तरफ से माँ बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर बार ढूंढते हैं, हमारी बच्ची को किसी चीज़ की कमी ना हो ऐसा ससुराल ढूंढते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, आगे बच्ची के भाग्य हैं, आगे बेटी के भाग्य होते हैं। जो भाग्य में होता है वही मिलता है, लेकिन माँ बाप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, अच्छा घर बार ढूंढते हैं, आगे बेटी की किस्मत होती है। तो बेटी विवाह योग्य हुई, घर से विदा भी हुई और ससुराल गई। ससुराल में अभी 2 ही दिन बीते थे, अभी ससुराल में सिर्फ 2 ही दिन बीते थे। अच्छा, पहले फोन नहीं हुआ करते थे, पहले फोन का जमाना नहीं था, पहले चिट्ठियां आया करती थी, पत्र लिखे जाते थे। यदि किसी को दुख सुख की खबर देनी होती थी तो फोन नहीं किए जाते थे, पहले पत्र का जमाना था और पत्र भेजे जाते थे। विवाह के लिए तो समय मिल जाता था, 15 दिन पहले ही, 15 दिन पहले कार्ड वगैरह छप जाते हैं और बटने शुरू हो जाते हैं। उन दिनों भी पत्र वगैरह के द्वारा बताया जाता था, लेकिन मृत्यु किसी को कहकर नहीं आती, मृत्यु के लिए समय नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि जैसे विवाह आदि के लिए तैयार रहते हो, वैसे ही हर घड़ी मृत्यु के लिए भी तैयार रहा करो। मृत्यु कब आ जाए कहकर नहीं आएगी। हम यहां बैठे हैं और पता भी नहीं चलेगा अगर हमारे प्राण अभी निकल जाए तो, उसके लिए हमें समय नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी कोई काम कल पर मत छोड़िए, जो करना है आज ही कर दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा नहीं है। कल का कोई भरोसा मत कीजिए, कल हम रहें या ना रहें। तो जब चिट्ठियों का जमाना था, वहां रिश्ते नहीं टूटते थे। क्या होता था, अगर ससुराल में झगड़ा वगैरह हो गया तो बेटी अपने मायके चिट्ठी लिखती थी कि मुझे ले जाओ, मैं यहां पर खुश नहीं हूं। इतने चिट्ठी मायके पहुंचती और मायके से लोग, उसके मायके वाले ससुराल पहुंचते अपनी बिटिया को लेने। इतने में क्या होता था कि जो चिट्ठी के द्वारा फूट फूट कर रो रही थी कि मुझे ले जाओ मैं यहां नहीं रह सकती, वो अब हंस बोल रही है वहां पर, समझौता हो गया है। तो पहले जब चिट्ठियों का जमाना था तब रिश्ते नहीं टूटते थे, दरारें नहीं थी रिश्तों में, बेटियां ससुराल में ही खुशी से रहती थी, लड़ती थी झगड़ती थी वहीं रहती थी। विवाह हुआ, अभी 2 ही दिन बीते थे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे ही लड़की का विवाह होता है तो उसके पास फोन हो ना हो, फोन शादी में गिफ्ट जरूर कर देते हैं, ताकि ससुराल में जाकर खबर देनी है सारी कि कैसा ससुराल है ना, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, सारी खबर देनी है। 2 दिन बाद पिताजी के पास फोन पहुंचा, पिताजी मुझे यहां से ले जाइए। बोले ऐसा क्या हुआ? पिताजी मन ही मन सोच रहे हैं ऐसा हुआ क्या? बोले मुझे यहां से ले जाइए। पूछा बेटा बात क्या हुई है? बोले मुझे यहां से ले जाओ, और अगर मुझे आप लेने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, मैं यहां नहीं रह सकती हूं। अब जब बिटिया इतनी बात कहे तो पिता सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कुछ बड़ी बात हो गई होगी।
पर अपने बच्चे के बारे में तो सब जानते हैं। लाड प्यार से पली बिटिया, अपने बच्चे के बारे में सब जानते हैं। बोली, ले जाओ यहां से, अभी की अभी आओ, वरना मैं मर जाऊंगी। अब ऐसी बात सुनकर कोई माता पिता कैसे रुक सकते हैं। पिता वहां पहुंचे, बोले, ऐसा एक दिन में क्या हो गया? बोली, मुझे नहीं पता, मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां नहीं रहना। पिता ने सोचा, अभी बेटी रो रही है, चलो घर ले चलता हूं, फिर जाकर देखेंगे। घर ले गए, घर ले जाकर पूछा, बच्चे ऐसी क्या बात हुई? बोले, मुझे नहीं पता, मुझे वहां नहीं जाना और मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे उस ससुराल में दोबारा नहीं जाना, मुझे वहां से छुटकारा चाहिए। अब पिता के हाथों पली लाडली बेटी सब जानते हैं, माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सब जानते हैं। माँ बाप के घर में आजादी होती है, ससुराल में आजादी नहीं मिलती। पर आजादी मिल जाए तो क्या होता है? बोले, सास तो तेरी इतनी अच्छी है। बोली, चुड़ैल है। पिता सास की तारीफ कर रहे हैं। बोली, नहीं, सास अच्छी नहीं है, एकदम चुड़ैल है। बोले, पिता, ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं। बोले, नहीं, किसी का नाम मत लो, राक्षस है वहां पर सब। बोले, चलो, किसी से क्या लेना होता है, ससुराल में अगर एक भी अच्छा हो, जिंदगी अच्छे से कट जाती है। और अच्छा कौन हो? पति अच्छा हो। अगर पति अच्छा है, सास ससुर बुरे हैं, तो जिंदगी काटनी सहज हो जाती है। और यदि पति भी अच्छा ना हो तो जिंदगी नहीं कटती। बोले, पति पति तो अच्छा है। बोले, नहीं, वो तो सबका बाप है, जल्लाद पड़ा है, वो जल्लाद है वो बहुत, और मुझे वहां नहीं जाना। बोले, चलो। अब बिटिया को एक दो दिन और हुए, वापस भी जाना है। पिता ने कहा, बिटिया छोड़ कर आऊं, अगर गुस्सा शांत हुआ हो तो। बोली, नहीं जाना, मुझे छुटकारा चाहिए। पिताजी ने भी प्लान किया, एक योजना बनाई। बोले, पिता को ये बात का पता था कि ये मेरी बच्ची है और मेरे हाथों बड़ी हुई है, बड़े लाड़ प्यार से पाला है मैंने, तो थोड़ी जब घर में आजादी मिल जाए, ससुराल में ना मिले, तो समझो वहां पर बहू ही अच्छी नहीं है, ससुराल तो अच्छी है, वहां घुटन महसूस होती है। अब योजना बनाई। बोले कि बिटिया, मैंने वकील साहब से बात की है और वकील ने कहा है कि बिटिया को 2 महीने के लिए ससुराल में जाना पड़ेगा, जब ही छुटकारा मिल सकता है। बोली, 2 महीने? अरे, मैं तो वहां पे 2 दिन भी ना रहूं, 2 मिनट भी नहीं, आप 2 महीने की बात कर रहे हो। बोले, अगर छुटकारा चाहिए तो जाना तो पड़ेगा। अब बेटिया ने सोचा कि छुटकारा पाने के लिए चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, सारी जिंदगी का दुख सहने से अच्छा है कि 2 महीने सह लूं। बोले, ठीक है पिताजी, आपकी बात मानकर मैं वहां चली जाती हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद आप मुझे तुरंत लेने आ जाना, मुझे ज्यादा समय वहां मत रोकना। बोले, ठीक है। बोले, एक चीज और है, एक बात और है। बोली, क्या? कहते, 2 महीने तुमने कुछ भी बोलना नहीं है, ससुराल वाले अगर कुछ बोले
तुम्हें डांटें, तुम्हें कुछ भी कहें, बस तुम आगे से जवाब मत देना। बोले चलो इतना तो है, कर ही लूंगी, छुटकारा चाहिए भाई, 2 महीने की बात है। बोली कर लूंगी पिताजी, आप मुझे छोड़ आइए, पर ध्यान रखना पिताजी, आपके कहने पर जा रही हूं और 2 महीने के बाद मुझे लेने आ जाना। बोले ठीक है, आ जाऊंगा। अब पिताजी बिटिया को ससुराल छोड़ आए। बिटिया वहां पहुंची, समझदार बिटिया, बहुत समझदार है। ससुराल वाले कुछ कह रहे हैं, चुप है। इसी में समझदारी होती है ना, कि एक बोल रहा है तो दूसरा चुप है, और दूसरा कौन, बहू चुप है। सास ससुर का तो काम है बोलना, बड़े हैं कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बोल रहे हैं और छोटे अगर आगे से ना बोले तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं होगा, भले ही वो माँ बाप अपने बच्चों से बोल रहे हो या सास ससुर अपने बहू बेटों से बोल रहे हो। अब बहू बहुत समझदार है, सास की भी सुनती है, पति की भी सुनती है, ससुर की भी सुनती है, ननद की सुनती है, देवर की भी सुनती है, लेकिन पलट कर किसी का जवाब नहीं देती। काम भी अच्छे से कर रही है, अब कोई कितना बोलेगा। सास एक बार बोलेगी, एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, जब देखेगी कि मेरी बहू मुझे आगे से पलट कर जवाब ही नहीं दे रही तो वो कितने दिन बोलेगी, चुप ही हो जाएगी ना। 2 महीने बीते तो पिताजी ससुराल में बिटिया को लेने पहुंच गए। बोले बिटिया बैग तैयार करो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बोली अरे पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे बात कर रहे हैं। बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों, तुम्ही ने तो कहा था कि 2 महीने बीतने नहीं चाहिए, 2 महीने के तुरंत मुझे लेने आ जाना। मैं लेने आ गया। बोली नहीं नहीं पिताजी, ये तो मेरा घर है, वो तो मेरे बाप का घर था, मेरे पिता का घर था, लेकिन ये ससुराल ये मेरा असली घर है और मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बोली बेटा तेरी सास बहुत लड़ती झगड़ती है तुझसे, चुड़ैल है। बोली नहीं नहीं पिताजी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मेरी सास तो मेरी माँ है, मुझे माँ का सुख बचपन से नहीं मिला, पर मुझे मेरी सास से माँ का प्यार मिला है, और ससुर ने मुझे पिता सा प्यार किया, आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं मेरे ससुर। और ये भी कहते हैं कि अगर पति ने कुछ कहा हो ना तो बेटा मुझे बताना, मैं उसे डांटूंगा, इतने अच्छे हैं मेरे ससुर, आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। बोले पति वो तो जल्लाद था ना। कह रही नहीं पिताजी, वो तो देवता हैं, वो तो इतने अच्छे हैं कि मुंह से मैं कुछ कहती नहीं, मेरी आंखों से पढ़ लेते हैं, मेरे मन को जान लेते हैं मुझे क्या चाहिए, और मेरे बोलने से पहले ही वो सामान आ जाता है। बोली मेरे पति बहुत अच्छे हैं, और जैसा ससुराल मुझे मिला ऐसा ससुराल हर बेटी को मिलना चाहिए, इतने अच्छा, मैं तो स्वर्ग में आ गई पिताजी। कमी किस में थी, जो 2 दिन ढंग से ना रही वो कमी किस में थी, बहू में थी। लेकिन बहू ने समझने की कोशिश की, वो मंत्र काम कर गया पिताजी का। पिताजी अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे हैं कि जो बिटिया को मंत्र दिया था ना वो काम कर गया। हर जगह सास अच्छी नहीं है तो हर जगह बहू भी अच्छी नहीं है, किसी जगह पर सास बहुत अच्छी है लेकिन बहू, इसीलिए सास को मां बनना पड़ेगा और बहू को बेटी बनना पड़ेगा।
हर घर की मर्यादा होती है, और अगर हर घर में सास माँ बनकर रहें, बहू बेटियां बनकर रहें, तो किसी घर में झगड़े नहीं होंगे। संबंध जब भी टूटते हैं, एक बेटी अपना घर परिवार भाई बहन संग साथी सब छोड़कर आपके पास आती है, आपके घर आती है, ताकि माँ बाप उसे वहां भी मिलेंगे, ननद देवर भाई बहन जैसा प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। आजकल ससुराल बहुत कम रिश्ते ज्यादा टूटने लगे हैं, इसीलिए प्रेम से रहिए, साथ कुछ नहीं जाएगा। आज आप सास हैं, आपके पास बहू आई है, कल को उस बहू को भी सास बनना है। याद रखिए, मैं उन बहुओं से ये बात कह रही हूं कि आज आपके पास सास है, कल आपके पास एक बहू भी आएगी। आज आप बहू हैं, कल आप भी सास बनेंगी। ऐसा नहीं करना है कि मेरी सास ने मुझे ऐसे करके रखा, ऐसे सख्ती से रखा, तो मुझे भी अपनी बहू पर सख्ती आजमानी है। घर में बहू नहीं, बेटी लानी है, बेटी को लाना है, तभी घर बसेंगे। बोलिए राधे राधे।